हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रैनुलर सब बेस क्वांटिटी कैलकुलेशन, यानी कि जीएसबी की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, एज पर साइड, और कौन सा कंपैक्शन फैक्टर उसमें लगेगा। अगर आपकी जीएसबी की थिकनेस 150 mm है तो आपको लूज जीएसबी की थिकनेस कितनी डालनी पड़ेगी, ये सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने अपने बेड का स्केच बना रखा है। लंबाई है मेरी बेड की 100 मीटर, चौड़ाई है 7.5 मीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो है मेरी 150। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया है स्केच मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एल मेरी कितनी है 100 मीटर, ठीक है, और बिर्थ मेरी कितनी है 7.5 मीटर, टी थिकनेस मेरी है 0.150 मीटर, ठीक है, मैंने सारा ये मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले आपको इसमें कंपैक्शन फैक्टर कौन सा लगाना है, ठीक है, इसमें कंपैक्शन ड्राइंग में दे रखा है कि जीएसबी की थिकनेस 150 की, मेरे को 2 लेयरें डालनी है। अब पहली लेयर मैंने 150 की डाली है तो मेरे को लूज डालनी पड़ेगी, उसके लिए कंपैक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो कंपैक्शन फैक्टर है मेरा, कंपैक्शन फैक्टर 31, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर मेरा क्या है 31 है, ठीक है। अभी ये 130 क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मेरी थिकनेस कितनी है 150 है, ठीक है, ये 150 थिकनेस है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी थिकनेस 150 आ रही है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.30 से, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा ये 0.195, ठीक है, तो 0.195 मीटर, यानी कि मेरे को लूज थिकनेस 195 मीटर, यानी कि 195 mm डालनी है, ठीक है। अभी यहाँ 150 दे रखी थी, मैं 195 डालूंगा तब जाके ये मेरी 150 थिकनेस बनेगी रोलिंग करके, ठीक है। तो अभी इसका एरिया निकाल लो, पहले बेड का एरिया का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम का लेंथ इनटू बिर्थ इनटू हाइट, ठीक है, लेंथ कितनी है 100, बिर्थ कितनी है 7.5, मेरी थिकनेस कितनी है 195, यहाँ पे 195 लेकर चलूँगा मैं, क्योंकि अभी लूज डाल रहा हूँ, लूज 195 डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर 1.30 लगा के। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 146.25 mq। अभी ये 146.25 mq जो आया है, ये मेरे इस बेड का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अभी जीएसबी की जो मेरी एमडीडी है वो है मेरी 2.221 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ये आपको आई पर साइड दी जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना इसका वॉल्यूम आया, मेरा वॉल्यूम आया 146.25 मल्टीप्लाई 2.221। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है डैश इज इक्वल टू, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, ये फार्मूला आता है। तो मैं डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरी डेंसिटी है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं वॉल्यूम से, ठीक है, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा 146.25 मल्टीप्लाई 2.221, ठीक है, 324.821। अभी ये जो मेरा आया मल्टीप्लाई करके, ये मेरा टन आ गया, ठीक है, जितना मेरा बेड का वॉल्यूम आया, वॉल्यूम को मैंने एमडीडी यानी कि जीएसपी की जो डेंसिटी है
उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये टन आ गया, ठीक है। मतलब इतना टन मेरा माल 100 मीटर के बेड में लगेगा, ठीक है, इतना टन माल लगेगा। अगर आपको इसको केजी में करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई 1000 कर देना तो आपका वो केजी में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको गाड़ियाँ निकालनी है, कैसे निकालनी है, आप एक गाड़ी का देख लेना कि उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम को आपको MDD से मल्टीप्लाई कर देना। जब वॉल्यूम को MDD से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक टिप्पर में इतने टन माल आ रहा है तो उस टन को एक टिप्पर को इससे मल्टीप्लाई कर देना टोटल टन से, तो आपके वो गाड़ियाँ निकल आएंगी, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, कंपैक्शन फैक्टर भी आपको पता लग गया, ठीक है, लूज थिकनेस भी पता लगी कितनी लगानी है, और इसका वेट कैसे निकालना है GSB का टन में, तो वो भी आपको पता लग गया, ठीक है। ये चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए सबको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।